जगतार सिंह हवारा चंडीगढ़ की अदालत वालों बरी, जानू पूरा मामला। चंडीगढ़ की अदालत ने पंजाब के साबका मुख्यमंत्री बेअंत सिंह के कतल मामले में दोषी करार दिते जगतार सिंह हवारा नूं बरी कर दिता है। हवारा नूं इह रात आरडीएक्स नाल संबंधित मामले में मिली है। चंडीगढ़ पुलिस आरडीएक्स मामले में जगतार सिंह हवारा खिलाफ अदालत में सबूत पेश नहीं कर सकी। दरअसल जगतार सिंह हवारा ने अपने साथियों नूं इह धमाका करन लई कहा सी। उसने अपने साथी कमलजीत सिंह अते परमजीत सिंह नूं आरडीएक्स उपलब्ध करवाया सी। इस मामले में काफ़ी दिनों तो पुलिस का गवाह अपनी गवाही लई नहीं आ रहा सी। हुण पुलिस विच अदालत ने उसकी मौत की सूचना दिती है। इस कारण अदालत विच सबूतों की कमी कारण जगतार सिंह हवारा नूं बरी कर दिता है। हवारा अजे दिल्ली विच तिहाड़ जेल विच बंद है। 2005 विच गिरफ्तार होए सन दोवें दोषी। चंडीगढ़ पुलिस के आपरेशन सैल ने जगतार सिंह हवारा के दोवें साथी कमलजीत सिंह अते परमजीत सिंह नूं आरडीएक्स समेत सैक्टर मनफी 35 के किसान भवन चौंक तो 2005 विच गिरफ्तार किया सी। इस तो बाद इन्हां मुलजमां खिलाफ चंडीगढ़ के सैक्टर मनफी 36 थाने विच आईपीसी की धारा 121, 121A, 122, 153, 120B, असला एक्ट की धारा 54, 59 अते विस्फोटक पदार्थ एक्ट 1908 दीआं धारावां 45 अते 63 केस दर्ज किया गया सी। इन्हां दोवां तो पुछगिछ दौरान हवारा दा नां सामने आया सी। किसानां वल्लों हाईवे ते लगाए धरने दरमियान मुख्यमंत्री भगवंत मान दा वड्डा बयान। अपनियां मंगां नूं लै के धरने ते बैठियां किसान जथेबंदां नूं लै के मुख्यमंत्री भगवंत मान दा वड्डा बयान आया है। सोशल मीडिया ते मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आख्या है कि मेरी किसान यूनियनां नूं बेनती है कि हर गल ते सड़कां रोक के आम लोकां नूं अपने विरुद्ध ना करो। सरकार नाल गल करन लई चंडीगढ़ दा पंजाब भवन, सैक्रटरीएट, खेतीबाड़ी मंत्री दा दफ्तर अते मेरा दफ्तर अते घर है, ना कि सड़कां। जे इही रवैया रहा तां उह दिन दूर नहीं कि जदों तुहानूं धरने लई बंदे नहीं लभणे। लोकां दीआं भावनावां समझो। जलंधर हाईवे ते लगा धरना। किसानां वल्लों तनूवाली नेड़े जलंधर लुधियाणा नैशनल हाईवे ते गन्ने दे भाव वधाउण ते बकाया राशि अदा करन दीआं अपनियां मंगां नूं लै के लाया गया धरना पूरी रात चलण मगरों अजे भी जारी है। संयुक्त किसान मोर्चा दे वख-वख किसान संगठनां वल्लों दुपहर दे समें शुरू कीते गए इस धरने विच वड्डी गिणती विच किसान शामिल होए अते पंजाब सरकार दी वादा खिलाफी नूं लै के जम के रोस मुजहरा कीता। इस धरने कारण पूरा दिन लोक जाम विच फसे रहे अते रात तक इह जाम लगा होया सी। मरीजां नूं लै के जाण वालियां एंबूलेंसां वी जाम विच फसियां रहियां। बसां विच जाण वाले यात्रियों नूं लगे जाम कारण काफ़ी परेशानी का सामना करना पिया क्योंकि बसां भी अड्डे तो बाहर नहीं निकल सकियां। हालांकि दोवें साइड तो सर्विस लेन खुली हुई सी पर हाईवे मार्ग पूरी तरह नाल बंद सी। मौके ते पहुंचे पुलिस दे उच्च अधिकारी। अज सवेरे DCP हरविंदर सिंह विरक, ADCP सिटी 1 बलविंदर सिंह रंधावा, ACP जलंधर कैंट अरशप्रीत सिंह, ACP जलंधर सेंट्रल निर्मल सिंह अते थाना रामा मंडी दे इंचार्ज राजेश कुमार अरोड़ा किसानां नूं भरोसा देण अते धरना समाप्त करन लई मौके ते पुज्जे, पर किसानां ने अपना धरना खत्म नहीं कीता अते कहा कि ओह इह हड़ताल उदों तक जारी रखणगे जदों तक सरकार उहनां दीआं मंगां संबंधी उहनां नाल मीटिंग नहीं करदी। फगवाड़ा वल जाण वाले लोक जा रहे कैंट रोड तों। फगवाड़ा वल जाण वाले लोकां नूं कैंट रोड तों निकल के जाणा पै रिहा है, पर अगे जा के उह फिर जाम विच फस रहे हन। जाम कारण लोगों को भारी नुकसान चलना पै रहा है अते किसान आगुआ ने कहा कि इस दे लई पंजाब सरकार पूरी तरह नाल जिम्मेवार है। सरकार ने ही उन्हां नूं धरना मुजहरा करन लई मजबूर किया है। की है किसानों का ऐलान? इत्थे दसन योग है कि किसान जथेबंदियों वल्लों पहला 9 नवंबर नूं धरना लगाउण दा ऐलान किया गया सी, पर 8 नवंबर नूं खेती मंत्री पंजाब ने उन्हां नाल मीटिंग करके भरोसा दिता सी कि 21 नवंबर नूं मिलां चल पैणगियां अते गन्ने दे रेट संबंधी 16 नवंबर नूं मुख्यमंत्री पंजाब भगवंत मान खुद शूगर फैड नाल मीटिंग करनगे, पर इह मीटिंग 15 नवंबर दी शाम नूं ही रद्द कर दिती गई, जिस तों बाद किसान संगठनां ने फैसला किया कि 21 नवंबर नूं तनूवाली नेड़े नैशनल हाईवे अते धरना ला के रोस मुजहरा किया जाएगा अते मंगलवार तों इह धरना शुरू कर दिता गया, जो कि उदों तक जारी रहेगा जदों तक पंजाब सरकार उन्हां दीआं मंगां नूं पूरा नहीं कर दिंदी। उन्हां इह वी कहा कि जेकर सरकार ने उन्हां दी कोई सुनवाई ना कीती तां उह नैशनल हाईवे ते धरना जारी रखण दे नाल नाल रेल आवाजाई वी ठप करनगे। किसानां दी मंग है कि गन्ने दा भाव वधा के 450 रुपये प्रति क्विंटल किया जाए। पंजाब सरकार वल्लों काम दे घंटियां संबंधी स्पष्टीकरण जारी, जाणो कित्थे होई इह गलती। पंजाब सरकार ने स्पष्ट किया है कि काम दे घंटियां संबंधी फैक्टरीज एक्ट 1948 अनुसार बीते दिनी जारी पत्र की गलत व्याख्या की गई है। इस संबंधी जानकारी दिंदिया पंजाब सरकार दे बुलारे ने दस्या कि विभाग दे ध्यान विच इह मामला आउण तों बाद किरत विभाग पंजाब वल्लों स्पष्ट किया गया है कि जारी पत्र दे नुक्ता नंबर 1 ते दस्या गया है कि कामकाजी दिन दौरान एक किरती तों वध 12 घंटे काम करवाया जा सकता है। उन्हां कहा कि इस दी गलत व्याख्या करदिया काम दे घंटे 12 समझ लए गए हन, जो कि गलत है। बुलारी ने स्पष्ट किया कि फैक्टरीज एक्ट 1948 दे सैक्शन अनुसार काम वाले घंटियां दी गिनती पहला वांग 8 घंटे ही है, जिस विच आराम दा समा रेसट इंटरवल शामिल नहीं है। बुलारी ने होर स्पष्ट करदिया कहा कि एक्ट अनुसार किसी भी बालक कामे तो 1 हफ्ते च 48 घंटियां तो वध काम नहीं लिया जा सकता। जेकर किसी कामे दे काम वाले घंटियां दी गिनती वध जांदी है तां बालक कामे नूं फैक्टरीज एक्ट 1948 दे सैक्शन 59 अनुसार ओवरटाइम देना जरूरी है।
इस मद अनुसार फैक्टरी विच काम करन वाला वर्कर जे एक कामकाजी दिन दौरान 9 घंटे तो वध काम करदा है अते हफ्ते विच 48 घंटे तो वध काम करदा है तां उसनू दिहाड़ी तो दुगनी तनखा देना लाजमी है। बुलारी ने यह भी स्पष्ट किया कि फैक्टरी एक्ट्स अते रूल्स अनुसार किसी भी वर्कर तो लगातार 7 दिन तो वध ओवर टाइम नहीं करवाया जा सकता। इस दे नाल ही एक हफ्ते विच किसी भी वर्कर दे कामकाजी घंटे 60 तो वध नहीं हो सकते अते ना ही एक पंद्रवाड़े विच किसी वर्कर दे कामकाजी घंटे 115 तो वध हो सकते हैं।